नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। नोट्स एंड सरगम चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बांसुरी पर रविंद्र जैन जी का संगीतबद्ध किया हुआ और किशोर कुमार जी का गाया हुआ बेहद खूबसूरत गाना घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं, वो मैं बजाने जा रहा हूं। गाने के अंत में मैं आपसे एक ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगा जिसमें इस गाने का सबसे जो मुश्किल पार्ट है उसको आप बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और इस गाने के पूरे नोटेशंस आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी www.notesandsargam.com। देखते हैं। ये था गाना। अब आइए इसका जो डिफिकल्ट पार्ट है, जो शब्द मैं आता है इसमें, उसमें उसको ठीक ठाक बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके बजाने के लिए जो आपको स्वरों की जरूरत पड़ती है वो है प म ग और रेसा, प म ग रेसा। और उसको जो बजाने का तरीका है वो है म प ग म ग रेसा। अब इसी चीज को, इस टुकड़े को आपको मींद के थ्रू बजाना है। मींद का मतलब है एक नोट से दूसरे नोट पर जब आप स्लोली मूव करते हैं, एक वेव क्रिएट करते हुए जाते हैं, उस चीज को हम बांसुरी पर मींद बोलते हैं। उसको बजाने के लिए तरीका ये है। तो ग म और ग रे सा, इन इस चीज को बजाने के लिए आपको मींद की जरूरत पड़ती है। गामा गा के बाद जो मा आएगा उसको भी आप मींद से लेंगे, और गा के बाद जो रे आएगा उसको भी मींद से लेंगे, फिर सा। जैसे गामा गामा रेगा सा, सॉरी गामा रेगा सा है, गामा गारे सा नहीं, गामा रेगा सा। गामा रेगा सा, गामा भी मीन से और रेगा भी मीन से, उसी से आपको उसका इस पार्ट का जो असली फील है वो आप बांसुरी पर बजा पाएंगे। तो बाकी के जो इसके नोटेशंस है वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, notesandsargam.com पे विजिट कीजिए, वहाँ पे इसके बाकी के नोटेशंस मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू, टेक केयर।